बीजेपी विधायक के बेटे पर गुंडागर्दी के आरोप, कांग्रेस बोली शराब पैसे बांटने की शिकायत पर सुनवाई नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब चुनावी रण में उतरे प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद हो गया है। हालांकि इसके साथ ही राजनीतिक रस्साकशी का दौर भी शुरू हो गया है। इसी बीच प्रदेश के खंडवा जिले की मानधाता विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह ने शनिवार देर शाम प्रेस वार्ता कर भाजपा विधायक नारायण पटेल के पुत्र पर गुंडागर्दी करने के आरोप लगाए। साथ ही प्रशासन का भाजपा से साठ गांठ होने का भी आरोप लगाया। उत्तम पाल ने कहा कि भाजपा के कुछ लोगों को एक गाड़ी में साड़ी बांटते हुए हमारे कार्यकर्ताओं ने जब पकड़ा तो उन्होंने उनके साथ मारपीट की। इसके शिकायत करने के बाद भी घंटों तक एफआईआर करने के लिए इंतजार करना पड़ा। उसके बाद ही पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज कर दिया। उत्तम पाल सिंह ने कहा कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी से लेकर के कनिष्ठ अधिकारी तक भाजपा के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। अब कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे पहले प्रशासनिक सर्जरी की जाएगी। प्रशासन में बैठे भाजपा के एजेंटों को यहां से रवाना किया जाएगा। प्रदेश में शुक्रवार को कुछ एक मामलों को छोड़कर विधानसभा चुनाव के लिए शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। उसके बाद सभी ईवीएम मशीनें कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में जमा करा दी गईं। लेकिन अब चुनाव के बाद प्रत्याशियों के दौर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। खंडवा जिले की मानधाता विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह ने भाजपा विधायक नारायण पटेल के पुत्र पर गुंडागर्दी करने के आरोप लगाए। उत्तम पाल सिंह ने कहा कि पूरे चुनाव में शराब, साड़ी और पैसे बांटे गए। इसकी शिकायत तमाम पुलिस के आला अधिकारियों से की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई, पाँच पाँच घंटे कार्यकर्ता थाने में बैठे रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पूरा प्रशासन बीजेपी का एजेंट बनकर काम कर रहा था। हमने बार बार फोन करके शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस पूरे मामले की शिकायत हमने निर्वाचन आयोग से की है। साथ ही पार्टी कार्यालय में बड़े नेताओं को इस पूरी जानकारी से अवगत कराया गया है। उन्होंने कहा कि जितने भी अधिकारी हैं मध्य प्रदेश में, कांग्रेस की सरकार बनने पर हम इनके ऊपर कार्यवाही करवाएंगे। इसी मामले को लेकर खंडवा कलेक्टर को राज्यपाल महोदय के नाम 27 नवंबर को ज्ञापन देकर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग करेंगे। उत्तम पाल सिंह ने अपनी जीत को लेकर भी कहा कि 2020 के उपचुनाव का बदला इस बार मानधाता ने ले लिया है और उस चुनाव से ज्यादा वोटों से हम जीतेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।